नंबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। कोडरमा में बड़ही से रजौली तक फोर लेन सड़क निर्माण में रैयतों की हक छीन रहे अधिकारी सड़क के किनारे बसे बाजार व बने भवनों को कृषि बताकर कम मुआवजा देने की बात आई सामने। रैयतों को भू अर्जन द्वारा जबरन नोटिस दिए जाने को लेकर बड़ही विधायक सह झारखंड सरकार निवेदन समिति के सभापति उमाशंकर अकेला यादव ने शुक्रवार को चंदवारा प्रखंड मुख्यालय के सभागार में जिले व प्रखंड के पदाधिकारियों संग उड़वा मदनुगुंडी व चंदवाड़ा मौज के रैयतों की मौजूदगी में बैठक हुई, जिसमें रैयतों ने बताया राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 2016 की प्रकाशित गजट में भूमि की प्रकृति आवासीय प्रकाशित की गई थी। वहीं 2019 में पुनः कोडरमा जिला भू अर्जन द्वारा नया गजट प्रकाशित कर भूमि की किस्म बदल कृषि करते हुए रैयतों को मकान व जमीन का कम राशि भुगतान किया जा रहा है। रैयतों ने अधिकारियों से आग्रह किया जब तक भूमि की प्रकृति में सुधार कर उचित मुआवजा भुगतान नहीं की जाती तब तक बने आवास या मकान के सामने NHI द्वारा कार्य नहीं किया जाए। कोडरमा से अनिल पांडे की रिपोर्ट। कि जो 2018 में इसके 16 में जो गजट हुआ था NHI के द्वारा सारे जमीन आवासीय बनाया गया था। आवासीय के बाद 2018 में अब गजट का प्रकाशन NHI के द्वारा किया गया। NHI द्वारा प्रकाशन जब कर दिया गया तो उसके बाद में एक साजिश के तहत पुनः NHI ने ऑब्जेक्शन डाला। ऑब्जेक्शन डालने के बाद में यानी कि कोडरमा उपायुक्त के सामने वो प्रस्तुत किया, जिसमें एक साजिश के तरह गरीबों को हक मारने के लिए उस साजिश में किस तरह वो आवासियों को कृषि बना दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उस समय जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। हम लोग जब तक हैं तब तक इसका विरोध करेंगे। मेरे प्रयास से निश्चित तौर पे जो 2016 में आवासीय गजट हुआ है उसी के अनुसार सारे किसानों को जिसका घर बना हुआ है आवासीय को उसी के अनुसार भुगतान कराने का काम करूंगा। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी की सरकार है, गरीबों की सरकार है। इसमें किसी भी कीमत पर जिन किसानों को जिन भाइयों को आवासीय बना हुआ है उसी के अनुसार भुगतान कराएंगे।